हाय एवरीवन, वेलकम बैक हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिकटॉक एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स। जी हाँ, आप लोगों की काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि कौन से एड्स हमारे लिए बेस्ट हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि इनमें से आप लोगों के लिए कौन सी चीज बेस्ट है मेरे नजरिए में। सो यार वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, वीडियो को यार लाइक कर दो, और अगर इस चैनल पर पहली बार लैंड होगे और ये जो चेयर है वो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पर शॉपिफाई से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार इधर हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंस आता है वो है ऑडियंस का। अगर मैं फेसबुक की बात करूं, फेसबुक पे 2.91 बिलियन की ट्रैफिक है, मतलब कहने का कि अप्रोक्स 3 बिलियन लोग आके अपने एड्स रन कर रहे हैं। एंड सेकंड नंबर पे अगर टिकटॉक की बात करूं तो टिकटॉक पे सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन प्लस की ट्रैफिक है। ट्रैफिक की बात होगी क्लियर आप लोगों को कि फेसबुक पे ज्यादा है टिकटॉक की निस्बत। और इससे आप लोगों को यह भी आइडिया हो गया होगा कि फेसबुक जो है वो एड रेवेन्यू ज्यादा अर्न कर रही है, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी मार्केट है टिकटॉक की निस्बत। एंड गाइस इधर अब ऑडियंस की बात चल ही रही है तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि फेसबुक की ऑडियंस कैसी है और टिकटॉक की ऑडियंस कैसी है। पहले नंबर पे फेसबुक की ऑडियंस जो है वो मुझे जहां तक लगता है वो मैच्योर ऑडियंस है। जी हाँ, फेसबुक पे जितनी भी ऑडियंस आती है वो मैच्योर होती है, उनको पता होता है कि हाँ ये एड है, ये स्पॉन्सर है, इसको हम लोगों ने क्लिक करना है या नहीं करना है, ये चीज हमने बाय करनी है या नहीं करनी। लेकिन टिकटॉक पे ऐसा नहीं होता। टिकटॉक पे ज्यादातर जो ऑडियंस होती है वो इंटरटेनमेंट पर्पस से जाती है। मिसाल के तौर पर उन्हें कोई इंटरटेनमेंट चाहिए, वीडियोस देखनी है, और जस्ट इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है। आप भी अगर टिकटॉक यूज करते हो तो आप ऐसे स्क्रॉलिंग करते होगे और आपको वीडियो शो होगी, उसमें अगर आप एड्स भी रन कर रहे हो तो बंदे को इतना बेसिक डिफरेंस पता नहीं चलता कि यार ये वीडियो चल रही है या एड चल रहा है। सो काफी ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आप उस एड को स्क्रॉल कर दोगे। एंड सेकंड डिफरेंस की बात कर लेते हैं, वो है एड्स प्लेसमेंट। जी हाँ, मेन जो डिफरेंस है वो एड्स प्लेसमेंट का है। अगर मैं फेसबुक की बात करूं, फेसबुक को आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप एड्स रन करते हो फेसबुक पे, पहले नंबर पे आप अपनी वीडियो एड भी लगा सकते हो, सेकंड नंबर पे आप लोग अपनी पिक्चर्स एड भी चला सकते हो, थर्ड नंबर पे कैरोसोल एड भी चला सकते हो। मिसाल के तौर पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं फेसबुक में। इसके अलावा आप लोग लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या स्क्वायर में एड्स रन कर सकते हो, मतलब कि हर डिवाइस पे वो कंपेटिबल है। लेकिन इसके मुकाबले में मैं अगर टिकटॉक की बात करूं तो टिकटॉक पे सिर्फ आप लोगों को वीडियो एड्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है जो कि मुझे लगा कि फेसबुक और टिकटॉक में ये चीज बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फेसबुक में आप लोगों को काफी ज्यादा ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, और सेकंड नंबर पे टिकटॉक पे सिर्फ आप लोगों को वीडियो एड देखने को मिलता है। एंड गाइस इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं एड कॉस्ट। फेसबुक पे एड कॉस्ट ज्यादा लगती है या टिकटॉक पे? तो पहले नंबर पे फेसबुक पे मैं बात करूं तो फेसबुक के आपको एड कॉस्ट ज्यादा लगती है टिकटॉक की निस्बत। फेसबुक पे आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को ज्यादा रेवेन्यू लगेगा और आपको कम चांसेस होंगे जल्दी ऑर्डर जनरेट करने के। फेसबुक की बात कर रहा हूं। सेकंड नंबर पे टिकटॉक में क्या होता है, आपकी एड कॉस्ट कम लगती है, आपका पैसा कम लगता है, लेकिन उसमें आपको ऑर्डर्स बहुत जल्दी रिसीव होते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग टिकटॉक ऐड चला रहे हो तो उसमें आप लोगों को इंस्टेंट रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपको जल्दी से ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने ऐड रन की, आपको ऐड के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में ही आपको उसका रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। मगर इसके मुकाबले फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक में आपकी स्पेंडिंग ज्यादा होती है, लेकिन उसमें आप लोगों को ऑर्डर्स थोड़ा स्लोली स्लोली मिलते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी होगी कि फेसबुक पे जो एड कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है, टिकटॉक पे एड कॉस्ट कम लगती है। एंड गाइस अब लास्ट पे मैं अपनी ओपिनियन ऐड कर देता हूं कि मुझे कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट लगता है और आपको कौन सा मेथड जो है अप्लाई करना चाहिए। तो यार मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग अभी स्टार्टअप पे हो, अगर स्टार्ट ही कर रहे हो या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आप लोगों को टिकटॉक की तरफ जाना चाहिए। मेन रीजन मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को आपकी जो पैसा है वो कम लगेगा, एड कॉस्ट कम लगेगी, फेसबुक पे एड कॉस्ट ज्यादा लगती है। सेकंड वजह यह है कि आप लोगों को अगर टिकटॉक यूज करोगे कि आपको इंस्टेंट ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हो, आपने एड चलाई, आपको फौरन 2-3 घंटे में रिस्पॉन्स मिला, आपको ऑर्डर आने शुरू हो गए, आपने फौरन ड्रॉप शिपिंग कर दी, ये चीज टिकटॉक में है। लेकिन फेसबुक में ये नहीं है, फेसबुक में आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा और आपको ऑर्डर्स लेने में काफी ज्यादा मुश्किल भी होगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाह रहे हो तो फेसबुक बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फेसबुक पे क्या होता है, आप अपना पेज बनाते हो, आप अपना ब्रांड बना लेते हो और लॉन्ग टर्म के लिए वो चलता है।
लेकिन जो टिकटॉक है वो शॉर्ट टर्म के लिए चल। स्टार्टिंग पे मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग टिकटॉक एड्स स्टार्ट करो, जैसे ही आप लोगों को ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे आप उनको ड्रॉप शिप करो या अपने मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करो आपके पास फिजिकली मौजूद है उसको आप लोग सेल करो, और नेक्स्ट जब आपका जो ब्रांड है आपका स्टोर है इतना मतलब कि स्टेबल हो जाए कि आप लोगों को अब हो गया यार हाँ मैं स्टेबल हो गया हूँ, फिर नेक्स्ट उसके बाद आप लोग फेसबुक एड्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग पे मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप लोग टिकटॉक एड्स को लेके चलो। सो गाइज ये थी आज की छोटी सी वीडियो, होप करता हूँ कि आप लोगों को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, किसी भी चीज की समझ ना आई हो किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।